Hello, friends, welcome to the Pyramid Investments. Today is the biggest headline ever. It's time to sell Infosys stocks because growth leadership has been. लॉस्ट बाय एनालिस्ट यस फ्रेंड्स एवरीबडी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फोसिस इज द रेयर बाथ इट्स टूडे ड्रॉप ऑलमोस्ट टेन परसेंटेज क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हमें बाई बाई करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए जो भी स्टेक है उसको या फिर होल्ड करना चाहिए दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाव इन अवर माइंड राइट अगर आपके पास भी इन्फोसिस का शेयर है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से फंडामेंटली क्या हमें सोचना चाहिए लॉजिकली क्या सोचना चाहिए और किस तरह से हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू में काम करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिनारियो में ओके फ्रेंड सो एनालिस्ट आर सेइंग दैट सेल यस फ्रेंड सेल इन्फोसिस दैट सेड बाय द एनालिस्ट ओके इन्फोसिस शेयर टम्बल टेन परसेंटेज इन इंडिया आफ्टर द डाउन बिट रिजल्ट लास्ट वीक यस फ्रेंड्स अभी जो रिजल्ट आए लास्ट वीक में उसके अंदर दस परसेंटेज का ड्रॉप आज आप देख सकते हो इन्फोसिस स्टॉक के अंदर इतना ही नहीं इन्फोसिस शेयर क्लम आफ्टर द फोर क्वार्टर नेट प्रॉफिट फेल इन क्वार्टर एंड क्वार्टर यस फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट फेल होने से मार्केट में टेन परसेंटेज ड्रॉप हो गया तो अभी हमारे माइंड में यही है क्या करें इस पर्टिकुलर सिनारी में कि हम भी निकल जाए लोगों की तरह या फिर टाइम टू वेट और एड मोर शेयर्स यस फ्रेंड सो थिंक लॉजिकली ओके फ्रेंड्स सो लेट्स जम्प्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके दैट इज़ द वॉट टू डू इन दिस सिनारी ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्यों टूटा है वो पहले समझ लेते क्योंकि जो फोरकास्ट अर्निंग है राइट right? फोरकास्टिंग जो है वो यहाँ पर कम किया गया है कि यहाँ से जो ग्रोथ मिलेगा नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ है वो स्लो है फोर टू फाइव परसेंटेज रेवेन्यू ग्रोथ आपको मिलेगा और अर्निंग ग्रोथ भी इतना ही आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नेक्स्ट जो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड तक है पूरे जो चार क्वार्टर है उसके अंदर आपको कुछ मेज़र ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा इसी तरह जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये यह जो बिग सेल ऑफ जो हमें दिखाई दिया यहाँ पे आप देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर भी अभी 388 बिलियन का है वो 379 सेवेंटी नाइन टू फोर बिलियन तक ही जा पाएगा तो ये जो स्लो इन रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्टिंग है वही मेन रीज़न है इसको बिगर स्लम तो ये आपके माइंड में आई थिंक क्लियर है बाकी रिजल्ट्स uh, होते वो अप्स एंड डाउन्स कोई क्वार्टर में कम आते क्वार्टर में ज़्यादा है तो क्वार्टरली रिजल्ट डजेंट मैटर फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओके फ्रेंड्स तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका इन्फोसिस में है तो यू डू नॉट हैव टू वरी ओके फ्रेंड्स बिकॉज ये कोई बड़ी बात नहीं quarter -quarter, है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कुछ अर्निंग्स ड्रॉप हुए तो बट मेन है फोरकास्ट इज अ लोअर दैट इज द मेन रीजन वाई इट्स ड्रॉप ओके बट वॉट एक्जैक्टली द बिजनेस इज लुक फॉरवर्ड राइट कि अगर हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें राइट right? तो हमें क्या करना चाहिए ओके okay? सो so, यू नो वी हैव टू थिंक द फंडामेंटल यू नो फंडामेंटल क्या बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है और बिजनेस में स्टिल बिजनेस इज गुड और नॉट ओके बिजनेस तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेस uh, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है ना नेक्स्ट ईयर वो सारी चीज़ आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलती है इफ़ बिजनेस नो लॉन्गर गुड दैन इमीडिएटली सेल्ड आउट व्हाट एवर द प्रॉफिट और लॉस राइट देट इज़ वॉट वी हैव टू डू बट

क्योंकि आप जब भी फंडामेंटल भी एनालिसिस करते हो तो लास्ट फाइव टू सेवन ईयर्स का डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और आपको रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1.22 ट्रिलियन आई टू 1.47 ट्रिलियन आई एन मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ बाय 20 परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यू दैट इज नॉट यू नो यू कैन सी दैट ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर टेन ट्वेंटी ग्रोथ दिस ईयर ट्वेंटी ग्रोथ तो रेवेन्यू इज ग्रोइंग वेरी वेरी गुड यू नो ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू दैट इज अक्सट्रीमली गुड पोजिशन राइट न इन्फोसिसके बट वॉट एग्जैक्टली द प्रॉफिट ओके क्वार्टर ऑन क्वार्टर फेल हुआ प्रॉफिट बट वॉट अबाउट द इयर ऑन ईयर ओके सो इफ यू सी दैट ओवर हियर नेट इनकम राइट फ्रेंड्स सो नेट इनकम यहां पर आप देखोगे तो टू ट्वेंटी वन बिलियन टू टू फोर्टी बिलियन इट्स अराउंड नाइन परसेंटेज अप्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप

मतलब के प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर लॉस लूज हुए थे ओके और दैट इज एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ ड्रॉप बट इट नॉट हैपन एवरी टाइम ओके तो यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी नेट इनकम ग्रो कर रहा है एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट सेवन ईयर्स एवरी टाइम कंपनी इज ग्रोइंग राइट टू बिलियन आई एन टू टू फोर्टी बिलियन आई दैट इज़ अ वेरी गुड

Uh, but year on year every year 115 129 okay? every time cash flow is up, uh, you know, increasing 139 156 225 236 and there is slight drop 214 billion inr okay so that is a small drop in cash flow but cash flow is still consistently uh, growing okay what about the other factors if you see that so uh, you know the current uh, scenario uh, इफ्यू सीधा द आर ओके रिटन ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट यू नो थर्टी वन परसेंटेज रिट रिटर्न ऑन इक्विटी दैट्स अ वे अहेड द ट्वेल्व परसेंटेज ओके अगर ट्वेल्व परसेंट से ज़्यादा आर ओई है तो इट्स अ एक्सलेंट बिजनेस ओके हियर द थर्टी वन परसेंटेज आर ओई ओके पू सी द नेट प्रॉफिट मार्जिन ओके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलमोस्ट यू नो Uh, consistently, 26 percent. A little bit drop, but it's consistently 33, 32, 31, 29, 30, 26, 26. Okay. A net profit margin. If you see that it is uh, still consistent: 18, 18, 17, 15, 16, 17, 16, 16. So it's a uh, you know uh, margin are consistent. So it's not dropping so you do not or the net profit margin is also intact okay margin may be it is about volatility what about the current ratio current ratio is 1.8 times you know the current asset is more than 1.8 times the current liability so that factor is also good what about the debt to equity ratio, it's 0 0.1, you know, uh, less than 3%, uh, less than 3% is very good. Over here, only 0.3, it's excellent, you know, that ratio is excellent. Long term debt is 0.09, it's, uh, you know, a neg negligible debt if you see that. There is a debt free, almost debt free business.

Uh, अभी जो ये जो रिसेंट ड्रॉप आपको चार्ट में जो दिख रहा है बिग ड्रॉप एंड देन यू नो रिकवरी आर देयर ओके सो यू नो इट्स इ लॉजिकल यू नो इन शॉर्ट टर्म वन ऑफ अंडरस्टैंड द थिंग इन शॉर्ट टर्म इट्स ऑल अबाउट द इमोशनल ओके देर इज नो लॉजिकल थॉट प्रोसेस दैट राइट फ्रेंड्स तो इफ यू सी द चार्ट ऑफ इन्फोसिस ओके यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो रिसेंट जो ड्रॉप हुआ है ओके okay, वो यू नो बिग यू नो गैप डाउन लाइक टेन परसेंटेज आज का जो ड्रॉप है राइट right? तो इन शॉर्ट टर्म इट्स अ कंप्लीटली इलाजिकल ओके इसमें मार्केट मैनिपुलेशंस होता है शॉर्ट टर्म में न्यूज़ प्ले आउट करते राइट अलगो ट्रेडिंग प्ले आउट करते बट एज अ इन्वेस्टर वी हैव टू थिंक स्टेटिस्टिकली ओके Uh, we do not have to you know worry about that point we have to see the business we to see the you know all those things revenue growth are intact everything we have to see the fundamentals right and if it is still undervalued stocks right the value of that business is the 1500 uh, rupees okay and ri right now it's a uh, trading around the 1200 so still it is a undervalued business okay and it lot more drop from the high if you see that the high of that business is uh, almost 2000 rupees right 2000 से ड्रॉप होके अभी 1200 है तो इट्स अंडर वैल्यू बिजनेस एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ओके एंड वी कैन ऐड मोर शेयर इफ यू आर इन्वेस्टर दिस इज द राइट टाइम टू ऐड शेयर एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ओके इफ यू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म ओके बिकॉज इट इज अंडर वैल्यू स्टॉक एंड इट्स गिव द अपॉर्चुनिटी टू एड मोर शेयर दैट्स ऑल ओके यू डू नॉट हैव द फुल पोजिशन इन द इन्फोसिस दैट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट राइट बिकॉज ऑलरेडी अंडर वेल्यू स्टॉक्स है ये बिगर ये करेक्शन आया है ठीक तो है तो अभी right? जब भी वॉलाटिलिटी है तो वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड फॉर इन्वेस्टर राइट फ्रेंड ऐसे वॉर एंड बॉफेट बोलते हैं कि जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपके लिए वो एडवांटेज है क्योंकि ऐसे जो गैप डाउन है आई थिंक दिस kind of gap down happen after 13 years in infosys stocks right one day single day drop around 12 to 13% drop and then recover 3 to 4 percentage and finally close around 9.42 percentage okay

यू नो लास्ट नेक्स्ट टारगेट में भी अगर यहाँ से रिकवरी दिखती है तो दिस इज़ अवर टारगेट दैट इज़ वन थ्री फाइव जीरो ओके दैट इज़ अवर टारगेट वहाँ पे आपको एक्जिट मार देना चाहिए अगर यहाँ से रिकवरी आपको हाई राइज में मिलती है तो ठीक है बट एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप ट्रेडिंग इसमें ना करो तो ही अच्छा है ठीक है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी भी वॉलटलिटी इतनी होती है तो यू नो दिस अ मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग ओके तो एनी थिंग कैन हैपन यहाँ से और भी नीचे जा सकता है तो डॉ ट्रेडर थिंक स्टेटिस्टिकली कि यहाँ से अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलता है अगर यहाँ पर कल भी हाईर राइज बनता है तो यू कैन टेक द ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म और उसमें भी आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही रखना है कि वापस से यहाँ तक मेरे को पंद्रह सौ सोलह सौ रुपये मिलेगा काइंड ऑफ थिंग यू डू नॉट हैव टू वरी बिकॉज यहाँ पे आपको यू कैन सी दैट द स्लोपिंग एवरी थिंग क्रॉस द वन ठीक है यहाँ पे 200 हंड्रेड इज स्लोपिंग डाउन तो मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड आर स्लोपिंग डाउन ओके कि जब भी, भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप उसके अंदर ट्रेड अगर लॉन्ग ट्रेड बनाओगे तो पैसा बनाना वेरी टफ जॉब है इसके अंदर अभी ओके तो लॉन्ग पोजीशन हो सके तो मत ही बनाओ अभी ये पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है वापस से शेयर्स है वो वापिस वन फोर फाइव जीरो के ऊपर क्लोज होता है टू हंड्रेड डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है एंड व्हेन स्लोपिंग अप ऑल दोज थिंग्स आर नॉर्मल देन यू हैव टू टेक एंट्री फॉर लॉन्ग ट्रेड अदरवाइज इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है दैट इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी एट फार माई पॉइंट ऑफ व्यू ओके इन्वेस्टमेंट स्टॉक है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से अच्छा दो हजार तक रिटर्न देने का चांसेस है अगले वन एंड हाफ ईयर में तो अगर अभी से आप अगर पोजिशन बनाते हो नेक्स्ट वन एंड हाफ ईयर में अगर आप रुकते तो ऑलमोस्ट इट्स गिव्स द यू नो फोर्टी परसेंट रिटर्न दैट इज नथिंग रॉन्ग ओके फ्रेंड्स टू थाउजेंड तक ये स्टॉक्स अगर गया वापस से जाएगा ही फंडामेंटल स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो तो 40 परसेंट यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है सॉरी मैंने गलत हो किया यहाँ से इफ़ आई मेजर फ्रॉम हियर सॉरी इफ आई मेजर

Uh, if you are panic don't panic okay and uh, uh, please uh, subscribe this uh, our pyramid investment and like this video thank you for watching